So, hello everyone, this is Mohit Prithyani and welcome to our channel Mr. Lazy Tech. And this video is all about the best true wireless earbuds which you can buy under 2000 rupees. अगर आपका बजट 2000 रुपीज या बिलो दैट है, सो आई लेट यू नो फाइव बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विच आर रनिंग सक्सेसफुल इन द मार्केट दिस टाइम बेस्ड ऑन द साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी एंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द ईयरबड्स आई विल रेट आउट ऑफ फाइव, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू बाय द बेस्ट वन. सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कमिंग टू द फिफ्थ ऑन द लिस्ट वी हैव द बोट एयरडोब्स 381 एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज. ये काफी टाइम पहले मार्केट में लॉन्च हो चुका है. इसका प्राइस था 3000 रुपीज जब ये लॉन्च हुआ था, बट इस टाइम आपको 2000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल सकता है. एंड एट दिस प्राइस रेंज यू विल बी गेटिंग ब्लूटूथ वर्जन 5.0 विद दिस वन एंड इट कम्स विद IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर एंड इट हैज 7 mm ऑफ डायनेमिक ड्राइवर्स फॉर बेटर बेस एंड साउंड क्वालिटी एंड इट ऑल्सो कम्स विद वॉइस असिस्टेंस फीचर एंड यू विल बी गेटिंग 3.5 टू 4 आवर्स ऑफ प्ले टाइम ऑन अ सिंगल चार्ज एंड यूजिंग द चार्जिंग केस यू विल बी एबल टू चार्ज द ईयरबड्स 4 टाइम्स. सो टोटल यू विल बी गेटिंग अप टू 16 आवर्स ओवरऑल. सो दिस वर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बोट एयरडोब्स 381 एंड हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की. साउंड क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है, आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, कोई डिस्टॉर्शन हल्का फुल्का नाक के बराबर आपको लग सकता है, बट आप इसको 90% पे सुनेंगे सो विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस. सो काफी अच्छा साउंड दिया गया है और बेस भी इसमें काफी पावरफुल दिया गया है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज. सो बेसिकली जो बेस है काफी अच्छा दिया गया है इसमें अकॉर्डिंग टू मी. एंड कॉलिंग इसमें एवरेज दी गई है, ना ही बहुत अच्छी ना ही बेकार, बट विल बी गेटिंग एवरेज कॉल क्वालिटी. सामने वाले को थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आती है कॉलिंग के टाइम पे. एंड अगर हम ओवरऑल रेटिंग्स की बात करेंगे सो आई वुड रेट 4.1 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस ईयरबड्स एंड दिस इज नंबर 5th ऑन द लिस्ट. कमिंग टू द फोर्थ ऑन द लिस्ट वी हैव द बोट एयरडोब्स 402 एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपीज एंड इट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर एट दिस प्राइस रेंज एंड एट दिस प्राइस रेंज यू विल बी गेटिंग ब्लूटूथ वर्जन 5.0 विद दिस वन and it comes with 10 mm of dynamic drivers for better bass and sound quality and it has IPX4 sweat and water resistant feature with it and also with instant voice assistance feature and you will be getting approximately 4 hours of play time on a single charge and using the charging case you will be able to charge the earbuds 3 times so total you will be getting up to 12 hours of play time overall and these were the specifications of the Bose EarDrops 402 and hum baat karenge sound quality, bass quality aur call quality ki. So isme sound kafi loud diya gaya hai, aap isko full volume pe avoid karenge sunna, but agar aap isko 70-80% volume pe sunenge so you will get the best experience. Sound acha khasa clear diya gaya hai aur bahut loud diya gaya hai. एंड बेस क्वालिटी की बात करेंगे, बेस भी इसमें अच्छा खासा दिया गया, बहुत ही पावरफुल और पंचिंग नहीं बोलेंगे, बट दे हैव गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ डिसेंट बेस कंसिडरिंग द प्राइस रेंज. एंड कॉल क्वालिटी इसमें अच्छी खासी दी गई, अबव एवरेज बोलेंगे, ना ही बहुत अच्छी ना ही एवरेज, बट विल बी गेटिंग अ डिसेंट अबव एवरेज कॉल क्वालिटी विद दिस वन. एंड अगर हम ओवरऑल रेटिंग्स की बात करेंगे सो आई वुड रेट 4.2 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस ईयरबड्स एंड दिस इज नंबर 4th ऑन द लिस्ट. Now coming to the third on the list, we have the BasePod Beam True Wireless Earbuds and इसका price approximately 2000 rupees. But ये sale में आपको कभी कभी 1500 रुपये में मिल सकते हैं. And at this price range, you will be getting Bluetooth version 5.0 with this one. And it comes with IPX4 water resistant feature. And it has 6 mm of dynamic drivers. And इसमें आपको multi-functions buttons मिल जाएंगे, इसमें touch controls नहीं मिलेंगे, but you will be able to access all the functions through the earbuds itself. And इसमें आपको active noise cancellation feature भी मिल जाएगा for better call quality. And इसमें आपको approximately 4 to 5 hours of playtime मिलेगा on a single charge. And using the charging case, you will be able to charge the earbuds 5 times. So total you will be getting up to 30 hours of playtime overall. So these were the specifications of the BasePod Beam True Wireless Earbuds. And अगर हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, सो ये साउंड क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है, आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं और बहुत ही लाउड साउंड नहीं दिया गया है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ साउंड दिया गया है, क्लियर साउंड दिया गया है. एंड अगर हम बेस क्वालिटी की बात करेंगे, बेस क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है, मीन्स जो पावरफुल और पंचिंग बेस बोलते हैं, दमदम वाला फीलिंग बोलते हैं, इसमें दिया गया है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज. एंड अगर हम कॉल क्वालिटी की बात करेंगे, इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है, कॉल क्वालिटी को लेकर काफी अच्छे से वर्क करता है, सामने वाला आपको क्लियरली सुन पाएगा, ना के बराबर बैकग्राउंड नॉइज आती है, बट कॉल क्वालिटी इसकी काफी अच्छी दी गई है. एंड अगर हम रेटिंग्स की बात करेंगे सो आई वुड रेट 4.3 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस ईयरबड्स एंड दिस इज नंबर 3rd ऑन द लिस्ट. कमिंग टू द सेकंड ऑन द लिस्ट वी हैव द ओप्पो एनको W11 एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज, बट ये स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था अराउंड 2500 रुपीज, बट इस टाइम में इसका प्राइस हो गया है 2000 रुपीज. एंड एट दिस प्राइस रेंज यू विल बी गेटिंग ब्लूटूथ वर्जन 5.0 विद दिस वन एंड इट कम्स विद IPX55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट फीचर एज वेल एंड इसमें आपको 8 mm ऑफ डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे फॉर बेटर बेस एंड साउंड क्वालिटी एंड इट ऑल्सो कम्स विद वॉइस असिस्टेंस फीचर एंड यू विल बी गेटिंग अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 5 आवर्स ऑफ प्ले टाइम ऑन अ सिंगल चार्ज एंड यूजिंग द चार्जिंग केस यू विल बी एबल टू चार्ज द ईयरबड्स 4 टाइम्स सो टोटल यू विल बी गेटिंग अप टू 20 आवर्स ऑफ प्ले टाइम ओवरऑल.
सो दीज वर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ओपो एनको W11 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। एंड अगर हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, सो साउंड क्वालिटी इसमें काफी अच्छा दिया गया। आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर डिस्टॉर्शन लग सकता है, बट इसको अगर आप 90% वॉल्यूम पे सुनेंगे सो विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड बेस क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है, दे हैव गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ डिसेंट बेस कंसीडरिंग द प्राइस रेंज, और काफी पावरफुल बेस दिया गया है अकॉर्डिंग टू मी। एंड इसमें हम कॉल क्वालिटी की बात करेंगे, कॉल क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, सामने वाला आपको क्लियरली सुन पाएगा, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आती है बट दैट इज कंसिडरेबल एट दिस प्राइस रेंज। एंड अगर हम ओवरऑल रेटिंग्स की बात करेंगे, सो आई वुड रेट 4.3 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस ईयरबड्स, एंड दिस इज नंबर सेकंड ऑन द लिस्ट। फाइनली कमिंग टू द फर्स्ट ऑन द लिस्ट, वी हैव द बोल्ट ऑडियो ईयर बेस फ्री पॉड्स, एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपीज ओनली। एंड इसको मैंने नंबर वन पे इसलिए रखा है बिकॉज ऑफ द डिजाइन दे हैव गिवन एट दिस प्राइस रेंज। इसका जो डिजाइन है बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरह, और लोग इसको काफी कंसिडरेशन में ले रहे हैं इस टाइम पे। एंड एट दिस प्राइस रेंज यू विल बी गेटिंग ब्लूटूथ वर्जन 5.0 विद दिस वन, एंड इट कम्स विद IPX7 कंप्लीटली वाटरप्रूफ रेजिस्टर फीचर एज वेल। एंड इसमें आपको इनबिल्ट माइक मिल जाएगा फॉर कॉलिंग पर्पज, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स वॉइस रेजिस्टेंस फीचर। And you'll be getting approximately 4 to 5 hours of play time on a single charge, and using the charging case, you will be able to charge the earbuds 3 times. So you'll be getting up to 15 hours of play time overall. So these were the specifications of the Bolt Audio Earbuds Free Pods. And अगर हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, सो साउंड क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है। आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का लग सकता है बट आप इसको 90% वॉल्यूम पे सुनेंगे यू विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड साउंड इसमें काफी अच्छा खासा डिसेंट और लाउड दिया गया है। एंड अगर हम बेस क्वालिटी की बात करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ बेस, मींस इस प्राइस रेंज में वो बेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी, दे हैव गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ डिसेंट बेस एंड लिटिल बिट पावरफुल बेस एज वेल कंसीडरिंग द प्राइस रेंज। एंड अगर हम बात करेंगे कॉल क्वालिटी की, सो कॉल क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है, इंडोर कॉलिंग के लिए मेनली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, सामने वाला आपको इजीली सुन पाएगा, ना के बराबर बैकग्राउंड नॉइस आएगी, बट कॉल क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है। एंड अगर हम ओवरऑल रेटिंग्स की बात करेंगे, सो आई वुड रेट 4.3 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस ईयरबड्स, एंड दिस इज नंबर फर्स्ट ऑन द लिस्ट। So these were the 5 best true wireless earbuds which I told you, these are running successfully in the market this time. And jitne bhi maine aapko earbuds bataye sab mein aapko secure fit mil jayega aur bahut hi lightweight hai sabke sab, aisa nahi hai koi bhi bhari hai inme se, sabke sab lightweight hai aur bahut hi securely fit hote hain ears mein, so bilkul girne ke chances nahi hai, aap workouts ke time bhi isko use kar sakte hain. And I'm also leaving the link of all the earbuds in the description part below, you can click from there and buy it from there as well. And if you have any question regarding any of the earbuds, you can leave me in the comment section, I'll try my best to help you out with that. So this was all about the 5 best true wireless earbuds which you can buy under 2000 rupees. Hope you like this one. And as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you. You can also visit our website MrLazyTech.in, जिसमें आपको ऑलमोस्ट जो भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स है मेनली इन द म्यूजिक सेक्शन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आप कैटेगरी सेक्शन में देखेंगे, यू कैन गेट ऑल द कैटेगरीज लाइक साउंड बार, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स एंड ऑल, जो भी न्यू लॉन्च होते हैं इसमें आपको मिलते रहेंगे। एंड टॉप 5 सेक्शन में आप जाएंगे, सो यू विल बी एबल टू गेट द टॉप 5 गैजेट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक साउंड बार, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स एंड ऑल। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वेबसाइट को एक बार विजिट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या क्या हम इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ताकि आप आने वाले फ्यूचर में आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे। सो यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट MrLazyTech.in एंड प्लीज गिव अस द सजेशंस व्हाट ऑल वी कैन इम्प्रूव।